दोस्तों मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं महाभारत की कथा, धृतराष्ट्र पांडु तथा विदुर की कहानी। सत्यवती के चित्रागत और विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रागत और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल से ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रागत के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रागत मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्र वीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की तीन कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म को बताया कि वो अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उनकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया, अतः वो हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अंबा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। प्रभाकर मोरे के साथ महाभारत की कथा। विचित्र वीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल का नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। ये सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे एक वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराया।
इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। ये था भाग तीसरा महाभारत की कथा आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। अगले अंक में आप सुनेंगे पांडु का राज्याभिषेक।